बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर, उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। जानते ही हैं अल्लाह को खुश के दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे और भलाइयों दे, हर तरह के गम और जो गम से निजात दिलाए। जो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबकी मगफ़रत फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा और सब्र जमील अदा करे, इसका दे बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार है अल्लाह रब दे खास तौर पे। एक हमारी बहन ने कॉल की थी मुझे, अपना घर बंद मुझे याद नहीं है कहाँ से, तो लेकिन यह कि वो है पाकिस्तान से ही। उनके ना सिस्टर के पिते में पत्थर ही है, पत्थर दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनकी पत्थरी को निकाल दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, खास तौर पर अल्लाह रब उन पर फजल कर, अपनी रहमत से, अपने जल जलाल से उन पर फजल कर दे, गैब से शिफा अता फरमाए। जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक साले औलाद भी काफर में अपने फजल से, अपनी रहमत से उन्हें झांप ले। आज सुबह सुबह देख रहे हैं कि इतना शदीद पानी, यानी कि ज्यादा तो नहीं, यानी कि वैसे तो ये पानी काफी लग चुका है। ये देख ले शर्ट में नीचे बैठा कर आगे दिखाओ, ये नीचे काफी पानी लग चुका है यहाँ पे, इसकी वजह यहाँ के पानी कहीं रुका हुआ भी नजर आ रहा है। ये देखे पैरों के बीच में यहाँ पर भी रुका हुआ नजर आ रहा है। अगर कम पानी लगाते हैं हल्का हल्का, जैसे यहाँ पे लगाया है हल्का हल्का, तो फिर भी मिट्टी का छिटा वगैरह, मिट्टी का खाका उड़ता है। तो सूरत में यह है कि मुंह में नाक में जाता है, आंखों में जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरा आग भी जब नहीं जल रही, आग भी नहीं जल रही आपके सामने, अगर थोड़ा फजल करे बड़ी मुश्किल होती है। और ये मैं तो कोशिश कर रही है आग जलाने की, लेकिन यह है कि अगर हम एक तो पानी लगाया फिर ऊपर ठंड बहुत है, बहुत मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल होती है कि आपको हम क्या बताएं कि एक तो ठंड, फिर पानी लगाए और ठंड बढ़ जाती है, बच्चों के लिए मुश्किल बन जाती है। सुबह सुबह उनका नाश्ता भी करवाना होता है, झाड़ू भी लगाना होता है, सफाई भी करनी होती है, सफाई नफसी माल है। और दुआ करें अल्लाह ताला अपने फजल से अपनी रहमत से हमें ढांप ले। हम चाहते हैं कि यहाँ खोल कर कहीं ऐसा इंतजाम हो कि हम फर्श लगवाएं, ताकि इस मामले से हमारी निजात मिल जाए। अभी सर्दी बहुत काफ़ी है। अभी तो सर्दी का समझ लो अब आगाज हुआ है, पहले सब्जी आई है, लेकिन इतनी नहीं। अभी यहाँ इस वक्त अंदर देखे तो यहाँ बहुत धुंध है। बेगम आग जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग बहुत मुश्किल जल रही है। शुक्र है जल गई है, जल गई। वो देख रहे हैं कैमरे में नजर आशा आपको आ रही होगी, तो जल गई है। दूसरा ये कि धुंध देखें बाहर, धुंध कितनी है, वसी धुंध। बेटा जरा चारों तरफ दिखाओ, तो ये देख लिया आप लोग धुंध कितनी है। अभी तो ये कि आगाज है, इतनी धुंध आ रही है, बहुत धुंध आ रही है, बहुत वसी। अल्लाह ताला फजल करे और धुंध से जो है ना एक थोड़ा सा फासला भी नजर जाता है, कितना फासला आ गया, यानी कि कुछ जा रही खुदा ना खास बैग टकरा जाए, कुछ सवारी आपस में टकरा जाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सब मुसलमानों की, सबकी हिफाजत फरमाए। मैंने इशारा करूँगा सलाम और दुआ, दुआ करो अल्लाह खुशियाँ दे, कामयाबी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे, जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये देखिए जी आपके सामने जो है कितना सारा पानी हमने लगाया है, यहाँ पे बहुत पानी लगाया है, यानी कि और रूम के अंदर भी इसी तरह ही है। चलो रूम के अंदर तो उधर भी ठंड हो जाती है, ठंड की वजह से फिर हमने बचना भी होता है, ठंड से भी बचना होता है, यानी कि हमने खुद ठंड को पैदा कर रहे हैं, हम खुद ठंड बना रहे हैं पानी लगा लगा के। लेकिन पानी ना लगे फिर उस सूरत में ये कि मिट्टी खाका बहुत उठता है, मिट्टी खाका उठता है बच्चों के मुँह में, नाक में, कान में, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बीमारियों का खदशा है। तो पीछे बीच में कोई बच्चे जब बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जब हम लेके गए तो डॉक्टरों ने बोला भाई इसको मिट्टी खाते से बचाओ, स्मोक से बचाओ। स्मोक तो एक बहाना था, लेकिन खासतौर पर हमारे घर से यानी कि डेली जो स्मोक जो बनी हुई है एक किस्म का जहर, मिट्टी खाता जब उड़ता है मुँह में नाक में चला जाता है, सांस लेना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हम इसको हर हाल में खुश रखते हैं, कभी कभी इसकी बात नागवार भी गुजरे तो हम दरगुजर कर देते हैं, हम इसको कुछ नहीं कहते, हाँ समझाने की कोशिश कर लेते हैं, वो अलग बात है, समझाना चाहिए तो हर बंदा ही समझाता है। एक ये ही नहीं बोलने वाले भी बाद अगर गलती कर बैठती है उनको भी बंदा समझाता है, वो अगर वो नहीं समझती तो माँ बाप उनके माँ बाप को कहकर समझाना पड़ता है, किसी को कहकर समझाना पड़ता है कि समझाए इंसान है उनसे गलती हो सकती है। लेकिन ये एक बेजबान यानी कि ना बोल सकती ना सुन सकती है, लेकिन यह कि हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं होती, बाबा तक थोड़ी बात ही हो कदा कभी कभार, लेकिन खुद ही राजी हो जाती है। हमें उसको आगे से कह दिया क्योंकि ये आज अपना हर बात को जो है ना तो ये सीरियस समझती है, मजाक को भी सीरियस और सीरियस को वैसे भी सीरियस, इसलिए कि फिर हम कभी कभार ऐसे मजाक वगैरह करें तो ये आगे सीरियस
उसी को सीरियस ले लेती है, लेकिन हमें यानी कि थोड़ा सा गपशप के लिए होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ताला इनको खुशियां दे, हम इनकी जो है ना किसी बात का बुरा नहीं मानते। नाश्ता मेरे पास आ चुका है, बाजरे का ढोडा। ठीक है जी, बाजरे का ढोडा, ढोडा बोलते हैं कि ढोडा बोलते हैं जो भी है। अच्छा जी, मैं जानवर को थोड़ा पीछे करता हूँ पोल्ट, और ये रखा है क्योंकि नीचे से ये चुभता है ना, टांगों को इधर चुभना शुरू हो जाता है। तो बेगम ने यहाँ कोई और चीज मुझे बिछा के दे दी, अच्छा था लेकर वो अभी खाने में लगी हुई है। अब मैं टेस्ट करता हूँ जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साल में हमारे यहाँ एक दफा इस तरह का मौका आता है, साल में एक दफा। ठीक है जी, इस तरह की रोटी ये ऐसे, और साग के लिए साग होता नीला साग, यानी कि जो गंदलों का है सरसों का, वो तो बेहतर था। लेकिन ये भी साग की तरह है खाना, बड़ा प्यारा सालन है। और ये है भूंगरे पके हुए, ये आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा आपने दुआ पढ़ानी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाओ जोर से बेटा, करीब करो कैमरा, आवाज कम आ रही उनकी। और हम भी पढ़ते, ये देख ले आपके सामने, अब मैं खाने लगा हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, शुक्रिया शुक्रिया, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। हम जाने लगे हैं कहाँ, ये बेगम से पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं। ये चश्मा, और ये रही एक लिस्ट बनाई है हमने घर के सामान की। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये बजट हमारा होता है पूरा कि नहीं, अल्लाह खैर करे। और जो सामान है वो हम ले आएंगे, और इसलिए जो है ये उतारने लगा, ये उतारने लगा, कहता है कि मुझे पैसे देकर जाओ, मेरी खिलौना लेकर आओ भाई, आप अगर नहीं लेकर दे सकते तो मैं खुद ताकत करता हूँ, खिलौना लेकर आऊंगा वहां से, इंशाल्लाह उसके लिए खिलौना लेकर आएंगे। मैंने नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है मैं कहीं इमरजेंसी की काम जाने लगा हूँ। मेरे हाथ में दो पर्चियां हैं, मैं जबकि एक लिस्ट बना के घर से गया था हाजो सामान लेने के लिए, बेगम भी साथ थी, कुछ ऐसे सामान लेना था, ऐसे पसंद करना था बच्चों के लिए क्योंकि बेटी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ लेना था, लोशन की जरूरत थी इस तरह, और इसके अलावा जनाब और पता क्या क्या धागों की जरूरत थी, रजाइयों वाले धागे जो है वो लिए। ठीक है जी, और ये देखे किराने की दुकान का ये बिल है दोनों, और जो किराने की दुकान की ये दो बिल क्यों है, क्योंकि एक जो माल लिखवाया हमने तो उसमें हमारा यानी कि अपना कुछ आइटम हमने कम कराने पड़ गए क्योंकि बजट पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घर का सामान भी लेना था, घर का सामान जो ना कुछ वो हमने लिया, कुछ वो रह गया, कुछ लिया वो रह गया, कुछ इस तरह किराने का रह गया, मारकर ये दो पर किया इस तरह से, अलग अलग दोनों के बिल बनाने पड़ गए, यानी सामान कम कराना पड़ गया, अब ये आइटम निकाल दे ये निकाल दे, फिर उन्होंने दोबारा उनका अपना तरीकाकार होता है जो भी है उनका अपना तरीकाकार, यानी कि वो फिर उस बिल को दोबारा उन्होंने किया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अब जो है मैं फिर दोबारा काम जाने लगा हूँ, दुआ कीजिएगा अल्लाह बेहतर करे और दुनिया और आखिरत की भलाई दे, और जो सामान हम लेकर आए हैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, अगली वीडियो में। ये वीडियो तो हो चुकी है मुकम्मल, बस अब टांगे मैंने पहनी है और आपसे इजाज़त चाहनी है, और उसके बाद मुझे सफ़र में चले जाना है, तो फिर वापसी इंशाल्लाह आ जाऊँगा शाम को घर, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर रफ़ी को सलामती के साथ ले जाए और ले आए, अल्लाह बेहतरी दा फरमाए। और हाँ, याद आ गई, जुराबे भी लेनी है सर, इंशाल्लाह जुराबे मिल जाए, क्योंकि ये जो हमारा अपना सिटी है मिस्टेक, उससे ये जुराबे जो मैं लेता हूँ वो नहीं मिलती, ये दूसरे सिटी से मिलती हैं, और उसी सिटी की तरफ जाने लगा हूँ काम है, तो और वहीं से जो है ना कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे कि ये मिल जाए, और वहाँ से मैं इसको लेता हूँ और मिल जाए, दुआ कीजिएगा अल्लाह रहमत करे। आप दुआ करो इनके लिए, सलामी करो, दुआ करो अल्लाह खुशियाँ दे, सलामती दे, राजी हो, कोई गम ना हो, ठीक है, कोई गम ना हो, अल्लाह ताला परेशानियाँ रही गम दूर कर दे, अल्लाह ताला रब इज्जत हम सब को थाम ले, गिरने से पहले थाम ले। और ये देखें ये पीछे जो है ना फट जाती है, चले मैं ये तो गुजारा हो सकता है, लेकिन ये कि ये इनके बगैर नहीं हो सकता, इनके बगैर नहीं हो सकता, ये तो चलो कोई नहीं, नीचे कपड़ों के नीचे आ जाएगी, ये मैं अभी उठ के खड़ा होता हूँ, आपको देख लीजिएगा कि ये कपड़ों के बीच में सलवार के नीचे आ जाएगी, पता नहीं चलता किसी को। तो बाकी जो है
दूसरे वाले जो जराबे हैं इनके बगैर गुजारा नहीं है, इनके बगैर गुजारा नहीं है। आप ये देख लें इतनी जल्दी किसी को मालूम नहीं होता। बाकी इजाज़त चाहते हैं, बाय बाय करो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।